तो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस अभी टाइम 7 के आसपास हो रहा है, सुबह जल्दी उठ गया था, टहलने के लिए गया था और टहलने के बाद आया हूँ मैं एक होटल में चाय पीने के लिए। ये रही मेरी चाय और होटल की छत पे खड़ा हूँ। तो गाइस यहाँ से हमारा जो गाँव है ना वो देखने लायक है, यहाँ का व्यू देखने लायक है। गाइस मैं आपको थोड़ा सा व्यू यहाँ का दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, सूरज अभी अभी निकला है, बिल्कुल जस्ट निकला है, थोड़ी देर हुई है। और वो मेरे सामने दुकान है, मेरे साइड में जो दुकान के साइड में जो होटल है वो भी खुल चुकी है। और गाइस ये पुल है हमारे यहाँ का, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सुबह सुबह का टाइम है। और गाइस ये है मेरी चाय, चाय पीता हूँ फटाफट। और गाइस ये बस भी आ चुकी है, देखो ये बस जाएगी खरगोन के लिए। तो ठीक है गाइस, चाय वाय पी चुका हूँ और दोस्तों बस जा रही है। तो गाइस वहाँ पर है ना पानी की व्यवस्था की गई, और देखो रंजन वगैरह रखी है, गर्मी में पानी की व्यवस्था की जाती है हर साल हमारे यहाँ पर। एक लड़का पानी भर रहा है अभी। तो ठीक है दोस्तों, दुकान के पास जाता हूँ, दुकान वकान खोलने की तैयारी करता हूँ। गाइस ये पानी डूल रहा है और दुकान खुली नहीं भाई साहब की, तो एक काम करते हैं कि ये वहाँ से नल बंद कर देते हैं, ये पानी डालना बंद हो जाए, ये बंद हो गया पानी डालना। गाइस मेरे दुकान के पीछे जो नाला है ना वहाँ पर पानी कम हो रहा है ना, तो मछलियाँ ऊपर आ रही है, तो पक्षी वगैरह है ना जो बगुले वगैरह ये मछली को खा रहे हैं पानी में से उठा उठा के। तो ये सब मछलियाँ ना ऊपर ऊपर है, छोटी मछलियाँ हैं और सब मछलियाँ ऊपर ऊपर है, तो ये पक्षी है ना सब खा रही है। देखो बड़ी दे रही है, तो बड़ी मछलियाँ भी होगी ये खाया। गाइस है ना ये खा के उड़ गया। तो गाइस एक टायर आया है पंचर और ये खील भराई है इसमें भी, ये देखो यहाँ खील भराई है, ये देखो इसको फटाफट खोलते हैं और देखते हैं कि क्या हाल है ट्यूब के और अच्छा निकलता है कि नहीं ट्यूब पर लगी एक हिट। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है ट्यूब का, सिर्फ एक या दो पंचर होंगे तो जोड़ देते हैं फटाफट। देखो तेरे बहुत ही बड़ी खिले, गाइस ये आए हैं भगवा मांगने के लिए। बस 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 बस, लो 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 लो, अरे दूसरे भी आ गए रे, वो आ रहे देखो। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth,
थाली उठा रहे, थाली उठा। क्या कर रहा है? गाइस ये फुटबॉल देखो। अरे यार मेरे हाथ मां गिर गए थे मारने पर। तो फोड़ डाली तूने? नहीं नहीं, यहां पर ऐसा खेला ना था, उसका तो गई मुंह चला गया। चल मेरे को फ्रेश होने दे, पहले फ्रेश होने दे। गाइस अभी अभी मेरे पास एक फ़ोन आया है मेरे दोस्त का, उसके खेत के गेहूँ कट रहे हैं और गेहूँ है ना मशीन से कट रहे हैं, हाथ से नहीं कट रहे हैं, तो वो मशीन दिखाने के लिए मेरे को बुला रहा है। पास में उसका खेत है तो मैं जाता हूँ फटाफट। मैं आ चुका हूँ खेत में, मेरे दोस्त के खेत में। यह मेरा दोस्त है, इसका नाम बली भाई है और इनके गांव कट रहे हैं। और गाइस आधा खेत साफ हो गया है, आधे घंटे के अंदर आधा खेत साफ हो चुका है। ये है बली भाई जो कि हमारे दोस्त है। और देखो उधर चल रही है गेहूँ की कटिंग और एक मशीन, अलग ही मशीन है ये, मैं आपको दिखाता हूँ पास जाके। और गाइस ये देखो, ये सब गांव वाले मोहल्ले वाले इकट्ठे हो चुके हैं। ये भाई साहब लाए हैं मशीन, पहले तो मशीन देखते हैं उसके बाद इनसे पूछते हैं कि कहाँ से लाए और कितने की लाए हैं। ये जो देखो मोहल्ले वाले लोग ऐसे बैठे जैसे कोई पंगत मंगत जिमते कि नहीं, कि खाने वाने के खाने वाने का सिस्टम चलने वाला, अभी खाना आने वाला है इनका। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो गाइस ये देखो ये चल रही है मशीन गेहूँ काटने की, तो बिल्कुल गाइस फटाफट गेहूँ कट रहे हैं। और गाइस कूले भी बनते जा रहे हैं, देखो कूले भी बनते जा रहे हैं। देखो ड्राइवर साहब है गाइस, अजीब काम हो रहा है, मजदूरों की जरूरत नहीं। गाइस बहुत ही फटाफट बहुत ही स्पीड में काम चल रहा है और मजदूरों की जरूरत नहीं। और आधे घंटे के अंदर अंदर गाइस इतने सारे गांव काट दिए, देखो आधा खेत साफ हो चुका है, ये थोड़ा सा टुकड़ा ये बचा इधर का। तो अभी पलट रहे हैं ट्रैक्टर वाले भाई साहब। और गाइस बहुत ही मजा आ रहा है मशीन देख के मेरे को। अब ये उधर से काटेगी, उधर गाइस ये मशीन है ना गेहूँ तो काट रही है लेकिन साथ में उसके पूले भी बांधते जा रही है, उसका बंडल भी बांधते जा रही है रस्सी के साथ में। ये पूला बंधा हुआ है और ये इसमें रस्सी भी। गाइस तो ये है ना बिल्कुल इंसानों जैसा काम चल रहा है, ये देखो कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ना रस्सी वस्सी बांध देती है मशीन, आफरती रस्सी बांध देती है, ये बिल्कुल पूले बन गए। ये देखो कितने सारे पूले बंधे हुए होंगे, बहुत सारा बहुत बड़ा खेत है ये, 3-4 एकड़ में फैला हुआ ये खेत है। गेहूँ कटते कटते आ रहे हैं और बंडल भी बनते जा रहे हैं गेहूँ के, कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है। तो गाइस यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, पानी वानी पी रहे हैं ड्राइवर साहब। किस तरीके से नहीं, किस तरीके से काटती होगी गेहूँ को, कैसे बंडल बांधती होगी समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस हमारे गांव में ना पहली बार ऐसी मशीन आई है जो इतनी स्पीड से गेहूँ काट रही है, हालांकि ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के आगे मशीन लगी हुई है। मैं वो भाई साहब ट्रैक्टर वाले भाई साहब से पूछता हूँ कि ये मशीन कहाँ से लाए हैं और कितने के लाए हैं और क्या एकड़ से ये काट रहे हैं, ये भी मैं इनसे पूछता हूँ। रहती है इसके अंदर, पता नहीं कैसे बांध देती, समझ में नहीं आ रहा। अब ये उस साइड जाएगी, बराती है पर दूल्हा यह है बीच में, जो किसान खेत इनका है। और गाइस ये जो है ना बराती है, अभी खाना आने वाला है इनका, देखो इस तरीके से बैठे हैं ये, बिल्कुल मंगत मंगत जिमते कि नहीं इस तरीके से। और ये भाई साहब की मशीन है। हाँ दादा क्या हाल है, कहाँ से लाए मशीन? इंदौर से ले। कितने के लाए? 2,65,000 की। और इसके पैसे जैसे एक एकड़ में कितने पैसे लगते हैं? एक एकड़ के गांव कटवाना है 2,000। गाइस एक एकड़ के, अगर एक एकड़ में अगर गांव है और वो कटवाना है किसी किसान को तो 2,000 रुपये लगेंगे।
तो ये हमारे जो भाई साहब है ना, इनका कितने एकड़ का खेत है? 3 एकड़ का खेत है। तो इनको 6,000 रुपये लगे होंगे, 6,000 रुपये लगे होंगे। हालांकि थोड़ा बहुत इन्होंने कम करवाए होंगे, पता नहीं चलने दे रहे ये। सावधानी, कृपया फसल का बंडल थ्रेसर में डालने से पहले रस्सी को निकाल ले, निकाल दे। तो ठीक है गाइस, निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। गांव तो करते रहेंगे, अभी आधा घंटा और लगेगा इनको। मेरी बाइक वहाँ पर लगी हुई है। देखते हैं गाइस खाने में क्या बन रहा है। तो गाइस खाने में खिचड़ी बनने की तैयारी हो रही है। ये रहे चावल और ये इसका मसाला बना रहा है। बच्चे यहाँ छत पे खेल रहे हैं और देखो इन्होंने घर बनाया है, टाइल्स का घर बनाया है। ये देखो, देखो ये टाइल्स का घर है और इधर भी टुकड़े टुकड़े कर रखे इन्होंने टाइल्स का। क्यों सुना, ये क्यों कर? कहाँ पर? ऐसा लगा दी। चल अपने वीडियो का एंड कर, चला जा, लग जाएगी बेटा, चला जा। इनका न्यू घर भी देख लिया मैंने और आपको भी दिखा दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे इस वीडियो को लंबा ना करते हुए इस वीडियो का एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, भी लाइक उनको ऑन कर देना ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। तब तक लेको नाइक।